ओके स्टूडेंट्स, तो इन द लास्ट वीडियो हमने पढ़ा था अबाउट टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में, टेक्सोनॉमिक हायरार्की के बेसिक्स के बारे में, टेक्सॉन के बारे में, विच वन इज द हाईएस्ट टेक्सॉन एंड विच वन इज द स्मॉलेस्ट टेक्सॉन, क्यों और कैसे बोलते हैं उसे, किस रीजन की वजह से बोलते हैं। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू रीड सम मोर अबाउट द टेक्सोनॉमिक हायरार्की। टेक्सोनॉमिक हायरार्की को पढ़ने से पहले हम एक बार दोबारा से उसको रिवाइज कर लेते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्सोनॉमिक हायरार्की होता क्या है। टेक्सोनॉमिक हायरार्की इज अरेंजिंग द टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज इनटू असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स। ठीक है, या तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दे या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दे। ठीक है, बट वी हैव टू मेंशन दैट कौन सा ऑर्डर हम लिख रहे हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमने उसको लिखा था किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। इसको याद करने की हमने ट्रिक भी याद की थी एक, दैट वाज कीप पॉट क्लीन मींस किंगडम, फाइलम, क्लास और ऑर्डर, फैमिली फैमिली, गेट्स सिक, गेट्स मतलब जीनस, सिक मतलब स्पीशीज। वी हैव रिटन दीज थिंग्स इनटू द डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया, दिस हायरार्की। अब देखो फर्स्ट पॉइंट को रीड करते हैं। इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज डाउन वी गो द डायवर्सिटी डिक्रीजेस। ओके, डाउन वी गो मतलब हम जा रहे हैं किंगडम से नीचे टुवर्ड्स द स्पीशीज। ठीक है, डाउन वी गो द डायवर्सिटी डिक्रीजेस। डायवर्सिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, मतलब साइज जो है वो स्मॉल हो रहा है। थर्ड, अब किंगडम है, किंगडम की बात कर लो, एनिमेलिया एंड प्लांटे, दे आर टू टाइप्स ऑफ किंगडम जो हमारे पास हैं। एनिमल्स आर ऑफ मेनी काइंड्स, इसमें इंसेक्ट्स आ जाते हैं, बर्ड्स आ जाते हैं, मैमल्स आ जाते हैं, आर्थ्रोपॉड्स सॉरी एनिलिड्स आ जाते हैं, सारे प्लैटीहेलमिंथ्स आ जाते हैं, जो इंफेक्शियस सारे हेलमिंथ्स होते हैं ना, वॉर्म्स होते हैं, दे आर ऑल्सो इन दिस कैटेगरी ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स में कंपैरेटिवली डाइवर्सिटी कितनी ज्यादा है, बट अगर मैं बात करूँ स्पीशीज की, स्पीशीज इज होमोसेपियंस। ठीक है, ह्यूमन बींग्स वो एक स्पीशीज है। ह्यूमन बींग्स में कितनी है, कोई डायवर्सिटी नहीं है, नहीं है ना डायवर्सिटी, क्योंकि ह्यूमन बींग्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर। ठीक है, अब सेम बात करते हैं हम कि प्राइमेटा, प्राइमेटा क्लास की बात करें तो प्राइमेटा में जो है वी आर हैविंग, इसमें आते हैं गोरिल्ला, मंकीज एंड ह्यूमन बींग्स। हम तीनों में कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बट फिर भी मंकी, गोरिल्ला और ह्यूमन बींग्स में डाइवर्सिटी भी तो है ना। थर्ड, इस पॉइंट का मतलब है इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज डाउन वी गो द डाइवर्सिटी डिक्रीजेस। नीचे जाने से डाइवर्सिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। डाउन कहाँ पे जा रहे हैं हम, किंगडम से स्पीशीज की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट देखो, व्हाइल गोइंग डाउन इन द असेंडिंग ऑर्डर द नंबर ऑफ मोर सिमिलर कैरेक्टर्स इन अ टेक्सॉन डिक्रीजेस। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर था बड़े से छोटा, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अब असेंडिंग ऑर्डर की बात है तो वी आर गोइंग फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम। ठीक है, स्पीशीज में क्या है, बहुत सारे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे मैंने बात की ह्यूमन बींग्स की। ठीक है, एंड किंगडम में क्या है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, तो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कम हो रहे हैं ना। एनिमल्स का तो सिर्फ एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट कि ये ऑटोट्रॉफिज्म नहीं परफॉर्म कर सकते एंड ये सभी हेटरोट्रॉफिक होते हैं, एंड इनमें मतलब थोड़े बहुत और कैरेक्टरिस्टिक्स है जो एनिमल्स को डिफाइन करते हैं, मल्टी सेलुलरिटी हो गई, यूकैरियोटिज्म हो गया। ठीक है, दीज थिंग्स, तो चार पांच कैरेक्टरिस्टिक्स ही है जो सिमिलर रह जाते हैं ऑल द एनिमल्स में। ठीक है,
ऑन द अदर हैंड ह्यूमन बींग्स अगर एक स्पीशीज की बात करते, किसी भी चीज की स्पीशीज की बात कर लो, तो उनमें नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बहुत ज्यादा सेम होते हैं. नाउ सी, स्पीशीज से किंगडम की तरफ जब हम जाएंगे तो कॉमन कैरेक्टर्स का नंबर क्या है, नंबर ऑफ मोर सिमिलर कैरेक्टर्स इन अ टैक्सॉन डिक्रीजेस. उल्टा देखो उसका, किंगडम से स्पीशीज की तरफ जाएंगे तो कॉमन कैरेक्टर्स का नंबर क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, बिकॉज डाइवर्सिटी डिक्रीज हो रही, डाइवर्सिटी डिक्रीज होगी तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स अपने आप ही इंक्रीज होंगे. ठीक है, अब देखो द टैक्सॉन साइज बिकम्स स्मॉलर, ये किस केस में है ये आपको याद रखना है. लेट मी राइट इट फॉर यू. टैक्सॉन साइज बिकम स्मॉलर एज वी गो डाउन फ्रॉम किंगडम टू स्पीशीज. ठीक है, टैक्सॉन साइज स्मॉल हो रहा है, हमें पता है कि किंगडम इज द लार्जेस्ट टैक्सॉन एंड स्पीशीज इज द स्मॉलेस्ट टैक्सॉन. किंगडम इज मोर डाइवर्स एंड स्पीशीज इज लीस्ट डाइवर्स. डाइवर्स डाइवर्सिटी साइज से रिलेटेड है, एंड डाइवर्सिटी जहां पे कम है कॉमन कैरेक्टर्स का नंबर उतना ज्यादा होगा. ठीक है, किंगडम हैज अ लीस्ट सिमिलर कैरेक्टर्स बिटवीन ऑर्गेनिजम्स व्हाइल स्पीशीज हैज अ हाईएस्ट सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स अमंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया बिल्कुल, ये पॉइंट भी मैंने आपको पहले समझाया. ये लिनियस इज नोन एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी. लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसने आइडेंटिफिकेशन किया, टैक्सोनॉमिक मेजर कैटेगरीज लिनियस ने दी, मींस क्लासिफिकेशन भी लिनियस ने करनी शुरू की, एंड उसके बाद जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है वो भी लिनियस ने ही शुरू किया. थस लिनियस इज नोन एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको आ जाएगा, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, लिनियस. ओके, नाउ अप टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज. टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं, फिर हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को बेसिकली अप टू स्पीशीज, आज हम स्पीशीज वाला टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, डिटेल में स्पीशीज कंसेप्ट को समझ लेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में थोड़ा और. ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि डिविजन एंड वैरायटी ये दो कैटेगरीज हैं, जिसका जिक्र हमने फर्स्ट स्लाइड में जब हमने टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में पढ़ा था तब किया. ठीक है, बट टैक्सोनॉमिक हायरार्की में हमने डिविजन एंड वैरायटी वर्ड का जिक्र नहीं किया. क्यों? क्योंकि दीज आर सेम थिंग. ठीक है, division is the synonym of phylum in the case of plants and species is the synonym of variety in the case of plants. ठीक है, phylum word हम use करते हैं, keep, pot, clean, pot, p वाला जो है that is phylum, but अगर हम plants की बात करेंगे तो phylum की जगह हम लिखेंगे division. And last में family gets sick. अगर एनिमल्स की बात करें तो स्पीशीज आएगा, अगर प्लांट्स की बात करें तो वैरायटी. सपोज मैं मैंगो की बात कर रही हूँ, दिस इज अ वैरायटी ऑफ मैंगो दैट इज अ वेरी गुड क्वालिटी. ओके, अगर एनिमल की बात करूं, दिस इज अ स्पीशीज ऑफ टाइगर दैट इज फास्टेस्ट रनिंग स्पीशीज. ओके, ऐसे बोलते हैं. ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है, दिस इज वन ऑफ द बेसिक टर्म. ओके, the term species was given by John Ray. John Ray ने species लिखी, लेकिन species होता क्या है इसको explain किया था Ernst Mayr ने. Okay? Who coined the term species? अब इसका answer आएगा John Ray. That who coined the term species? John Ray coined the term species. But who gave the biological concept or the concept of species? Ernst Mayr. ठीक है, बायोलॉजिकल कंसेप्ट की बात आ गई है तो हम इसको बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे कि बायोलॉजिकल कंसेप्ट होता क्या है, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी प्रॉपरली तभी आपको ये समझ आएगा. स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स विच कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग. Closely related का मतलब है बहुत ज्यादा characteristics हैं जो वो share कर रहे हैं.
ठीक है, एवरी ह्यूमन बीइंग, आईज की लोकेशन, ईयर्स की लोकेशन, फोर लिम एंड हाइंड लिम की लोकेशन, एब्सेंस ऑफ टेल, ठीक है, एंड वेस्टिजियल ऑर्गन्स भी जो होते हैं हर ह्यूमन बीइंग में सेम होते हैं अपार्ट फ्रॉम सम माइन्यूट जेनेटिक डिफरेंसेस. शक्ल सबकी डिफरेंट होती है, मेटाबॉलिक रेट सबका डिफरेंट होता है. ये चीजों को अगर हम साइड पे रख दें, मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग इज सिमिलर, ठीक है, मतलब क्लोजली रिलेटेड हैं जो ऑर्गेनिज्म, विच इंटरब्रीड, इंटरब्रीड मतलब रिप्रोड्यूस, ठीक है, रिप्रोड्यूस करके वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बनाते हैं. स्पीशीज शेयर द सेम जीन पूल, मतलब कि जेनेटिक जो हमारी इंफॉर्मेशन है हर एक ह्यूमन बीइंग की सेम होती है. ओके फाइन, अब बायोलॉजिकल कंसेप्ट आपको समझ आ गया. तो देखो, अगर ह्यूमन बीइंग और ह्यूमन बीइंग रिप्रोड्यूस करेंगे, ह्यूमन बीइंग और ह्यूमन बीइंग ही रिप्रोड्यूस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ठीक है, इफ दे विल रिप्रोड्यूस दे आर एबल टू, दे विल रिप्रोड्यूस का मतलब कि अगर ह्यूमन मेल स्पर्म फीमेल ओवम के साथ फ्यूज कर रहा है तो वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बनाएगा. बट अगर कोई मंकी और ह्यूमन बीइंग रिप्रोड्यूस करेंगे तो मेल स्पर्म, पहली बात तो मेल स्पर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग इज अनएबल टू फर्टिलाइज द फीमेल ओवम, ठीक है, फर्टिलाइज ही नहीं हो पाएगा. इनकेस फर्टिलाइज हो गया तो एम्ब्रियो ही नहीं बन पाएगा, इनकेस एम्ब्रियो भी बन गया तो वो एम्ब्रियो का क्या होगा, नॉन फर्टाइल होगा, ठीक है. दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज दैट वॉज गिवन बाय अर्नस्ट मेयर. ये डेफिनेशन को आपको अच्छे से समझना है, इसके एक भी वर्ड को आपने गलत नहीं करना है. स्पीशीज शेयर द सेम जीन पूल का क्या मतलब है, सभी स्पीशीज में सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होते हैं, ठीक है, अगर हम मियोसिस एंड माइटोसिस की बात करें, नॉन कोडिंग एंड कोडिंग रीजंस की बात करें, मियोसिस एंड माइटोसिस का मतलब कि उनके टाइम ड्यूरेशन की बात करें, लाइक हर स्पीशीज के लिए डिफरेंट होता है, ह्यूमन बींग्स में डिफरेंट, एंड बेसिकली एवरेज नंबर इज सिमिलर बट फिर भी माइन्यूट डिफरेंसेस होते हैं. ओके, एंड अगर हम नॉन कोडिंग एंड कोडिंग रीजंस की बात करें, नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, सभी में, सभी स्पीशीज में सेम होते हैं. ओके, नाउ एक्सेप्शन टू द स्पीशीज. स्पीशीज क्या क्या बात की थी कि ऑल द स्पीशीज आर एबल टू इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग. अगर हम म्यूल एंड हिनी की बात करें, म्यूल एंड म्यूल, ये दोनों क्या है, ये दोनों भी तो काइंड ऑफ स्पीशीज है ना, खुद में तो स्पीशीज है बट दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस. जब भी हमने म्यूल के बारे में पढ़ा था, हमने यही पढ़ा था कि ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, दे आर स्टेराइल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, हिनी एंड हिनी कैन ऑल्सो नॉट रिप्रोड्यूस, ठीक है. दीज आर एक्सेप्शंस टू स्पीशीज, क्योंकि स्पीशीज के बारे में हमने ये पढ़ा, स्पीशीज का बायोलॉजिकल कंसेप्ट ये है कि कोई भी स्पीशीज है वो आपस में इंटरब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग फॉर्म कर सकते हैं. म्यूल एंड म्यूल एंड हिनी नहीं कर सकते. ये स्पीशीज तो है बट ये स्पीशीज बने कैसे, ये बने हैं नेचुरली तो बने हैं बट बाय मिस्टेक, कि हॉर्स ने हॉर्स के साथ रिप्रोड्यूस करने की जगह हॉर्स ने डंकी के साथ रिप्रोड्यूस कर दिया, तो म्यूल एंड हिनी क्या है, वो बन गए. तो ये चीज तो सही हो गई ना, कि अगर हॉर्स एंड डोंकी आर नॉट सेम स्पीशीज, ठीक है, हॉर्स एंड हॉर्स अगर रिप्रोड्यूस करेगा तो वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग फॉर्म करेगा, बट हॉर्स एंड डोंकी अगर रिप्रोड्यूस करे तो वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं बना रहा है. अगर हम देखें इस चीज को, म्यूल एंड म्यूल अगर ये आगे जाके रिप्रोड्यूस करने के लायक बनते तो फर्स्टली तो हमारी स्पीशीज का कंसेप्ट ही गलत हो जाता, नेक्स्ट नेचर में बहुत सा इम्बेलेंस आ जाता ऑर्गेनिजम्स स्पीशीज एंड हमारी डाइवर्सिटी को लेके, because it is exception also and it is a checkpoint also, ठीक है, क्योंकि donkey और horse ने अगर reproduce किया तो sterile organisms ही बनेंगे because they don't belong to the same species, okay? Now one more thing that I want to tell you is of Liger and Tigon.
लाइगर एंड टाइगोन, आई डोंट थिंक आपने सुना भी होगा तो इन डिटेल नहीं पता होगा आपको व्हाट इज लाइगर एंड टाइगोन। बेसिकली हिनी एंड म्यूल तो नेचुरली फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है, नेचर में हिनी एंड म्यूल अपने आप फॉर्म हो जाते हैं क्योंकि हॉर्सेस एंड डंकीज रिप्रोड्यूस कर लेते हैं अपने आप नेचुरली विदाउट एनी आइसोलेशन। लाइगर एंड टाइगोन कैसे बनता है? दे आर ऑल्सो एक्सेप्शन टू द स्पीशीज। सी, दिस इज अ लाइगर एंड दिस इज अ टाइगोन। इन दोनों में लायन एंड टाइगर के कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है। दे आर फॉर्मिंग अ हाइब्रिड, ठीक है, ये चीज हमें समझ आ रही है। इनके बारे में और इन डिटेल लेट अस स्टडी। टाइगोन, टाइगोन इज फॉर्म्ड व्हेन मेल टाइगर क्रॉसेस द फीमेल लायनेस, ठीक है, लाइगर इज फॉर्म्ड व्हेन मेल लायन क्रॉसेस फीमेल टाइगर्स। म्यूल एंड हिनी नेचुरली फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है, बट टाइगर एंड लाइगर आर ओनली फॉर्म्ड इफ मेल टाइगर एंड फीमेल लायनेस को आइसोलेट कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, एंड दे डू नॉट हैव एनी अदर वे। कैप्टिविटी कहते हैं इस चीज को। कैप्टिविटी मींस, सी दिस इज अ वर्ड, कैप्टिविटी बाउंड स्टेज। अगर टाइगर और लायन को बांध के रख दिया जाए, आइसोलेट कर दिया जाए एक जगह पे, तब वो रिप्रोड्यूस करके ये वाले ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं, एंड दीज टाइगर एंड लाइगर आर फर्टाइल, थस दे आर ऑल्सो एक्सेप्शन टू द स्पीशीज, ठीक है। अब ये एक्सेप्शन कैसे हुए? टाइगर एंड टाइगन है जो, ऑब्वियसली दे आर फॉर्मिंग स्पीशीज, स्पीशीज आर फ्रीली अवेलेबल टू इंटरब्रीड, इंटरब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बना सकते हैं। लेकिन ये चीज हमारी गलत हो गई कि एक स्पीशीज ने दूसरे स्पीशीज के साथ इंटरब्रीड करके भी फर्टाइल ऑर्गेनिजम्स बना दिए, बट दिस थिंग इज नॉट एबल टू बी नेचुरली, कि ह्यूमन असिस्टेंस के अंडर ही होता है जब ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स करते हैं इन फॉरेस्ट्री और इन जूलॉजी, एनी अदर टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इफ आर गोइंग ऑन, देन टाइगर एंड लाइगर आर फॉर्म्ड एंड दे आर फर्टाइल, ठीक है। ऑन द अदर हैंड म्यूल एंड हिनी आर वेरी कॉमन, वो अपने आप रिप्रोड्यूस करके स्टेराइल ऑर्गेनिजम्स बना लेते हैं।